रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 14 जनवरी सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस के अवसर पर देहरादून में शौर्य स्थल युद्ध स्मारक का शुभारंभ किया। इस दौरान दोनों ने युद्ध स्मारक पर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी इस देश को जरूरत पड़ी है, उत्तराखंड के वीरों ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब भी वो देश के वीरों के बीच पहुंचते हैं तो उनका शीश श्रद्धा से झुक जाता है। सैनिकों की वीरता और बलिदान के दृश्य उनकी आंखों के सामने चमकते रहते हैं। वीर सैनिकों ने देश की सीमाओं की रक्षा की है और भारत देश की एकता और अखंडता को बनाए रखा है। बता दें, राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए रक्षा मंत्रालय में एक समर्पित विभाग है। पूर्व सैनिक देश की संपत्ति है। पेंशन, चिकित्सा और अन्य सुविधाएं जो देश पूर्व सैनिकों को देता है, वो उनके सम्मान दिखाने के छोटे तरीके हैं। पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। इस मौके पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपना संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पहले हमारे सशस्त्र बलों को दुश्मन पर जवाबी हमला करने के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी, लेकिन अब वो निर्णय लेने और संचालन करने के लिए स्वतंत्र है। सशस्त्र बलों ने हमारे देश के सम्मान, गौरव और प्रतिष्ठा को अक्षुण्य रखा है। उन्होंने हमेशा जो है भारत के दुश्मनों को करारा जवाब दिया है। उनकी वजह से अब कोई भारत से भिड़ने की हिम्मत नहीं करता। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। आज संपूर्ण विश्व भारत की शक्ति एवं सामर्थ्य से परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है कि कोई भी दुश्मन अब हमारी ओर हाथ उठाने की भी हिम्मत नहीं करता है। आज देश की सुरक्षा में लगे सैनिकों को दुश्मन की गोली का जवाब देने के लिए सरकार की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। भाइयों बहनों, एक समय था कि जब अलगाववादियों की, जिहादियों की, आतंकवादियों की या दुश्मन की गोली आती थी तो देश के सैनिकों को जो सीमा पर 24 घंटे तैनात होकर देश की रक्षा करते थे, उनको पूछना पड़ता था कि उस पार से गोली आई है, दुश्मन की गोली आई है, उसका जवाब देना है कि नहीं देना है। 1953 में आज ही के दिन औपचारिक रूप से वो रिटायर हुए थे और उसी दिन को आज हम रिटर्न डे के रूप में मनाते हैं। आज से 7 वर्ष पहले सरकार ने आर्म फोर्सेज वेटरन्स और उनके परिजनों के सम्मान में यह कार्यक्रम आयोजित करने का एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। मेरा खुद का पूरा प्रयास रहता है कि मैं इन इवेंट में जरूर पहुंचूं और लोगों के साथ में सीधा संवाद स्थापित करूं।